मारुति अपनी माँ से प्रतियोगिता में जाने के लिए अनुमति लेने जाते हैं। बाली की अकुशल धारणा से परिचित सुग्रीव उसे रोकने का प्रयत्न करता है, परंतु मुठभेड़ में सुग्रीव को गंभीर तरह से जख्मी कर उसे मूर्छित कर देता है। वहाँ मारुति और उसके मित्र शंब साधन वन की दिशा में प्रवेश कर जाते हैं। जंगल जीवन जगमग जगर, सुनिए छप छप छपर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। छपील दुष्ट दुशील नष्ट नील, हट चल खट बल मट मल खट मल खल नल, ची ची चकर र चकर चकर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। मारुति सुन मैं तुझको ताड़ू, प्रतियोगिता में तुझे पछाड़ू, मित्रों पर जीवन है वार, हार नहीं मुझको स्वीकार। शक्ति मुक्ति भक्ति शक्ति, मुक्ति भक्ति शक्ति, मुक्ति भक्ति। शुभम शुभम शुभ शम शबर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। शुभम शुभम शुभ शम शबर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान विभक्ति ने मारा, लट 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 रंग लिंग लुंग लेट, तब भूल भय भीत लकार चप चपेट, आषाढ़ सावन वैशाख माघ चैत्र जेठ, कुछ भी खा लो क्यों कर तपे। जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। कौन सा रास्ता सही है, ये कि ये? क्या हुआ नील? इससे आगे के मार्ग का तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान देने के लिए किसे बुलाएं नील? यहां से आगे बढ़ने के मार्ग का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा।
बस बस ठीक है, वहीं रुक जाओ। व्यर्थ अपनी स्नेह भावना का प्रदर्शन मत करो। प्रतियोगिता के लिए चलें? हाँ हाँ चलो। चलते चलो सुषेण। कितनी विचित्र बात है नानाथ, जो वाली तीनों लोकों में देव दानव मनुष्य किसी से भी भयभीत ना होने का अभिमान करता था, उसी वाली को हमारे अवोध मारुति के भोलेपन से भय लगने लगा था। सत्य कहा प्रिय, जिस प्रकार उजाले की उपस्थिति में अंधकार मिट जाता है, सत्य के सामने असत्य अपना अस्तित्व खो देता है, ठीक उसी प्रकार कपटी और धूर्त प्राणी भी निश्चल हृदय वालों के समक्ष अपना सामर्थ्य खो बैठता है। मारुति का निश्चल स्नेह और भोलापन देखकर वाली भी हीन भावना से ग्रस्त होने लगा था, इसीलिए उसने मारुति से दूरी रखना ही उचित समझा। वाली भैया अब और कितनी दूर है वो स्थान? चलते चलो सुषेण, बस पहुंच ही गए समझो। चलो वाली भैया, क्या आप ही हमारे साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे? नहीं, मैं महानतम केवल अपने समकक्ष लोगों के साथ ही प्रतियोगिता करता हूँ। हाँ वाली भैया, आपने सत्य कहा। आप अभी मारुति के समकक्ष नहीं पहुंचे हैं। तुम सब ये अंग वस्त्र मुझे दे दो। ये तो तुम्हें अब प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। मारुति को उसका अंग वस्त्र लौटा दो। मारुति इसे पहनकर ही प्रतियोगिता में भाग लेगा। We'll be right back.
सर्वप्रथम प्रतियोगिता, तत्पश्चात। क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है? हाँ, या कदाचित प्रतियोगिता में हार जाने का भय सता रहा है तुम्हें? पिताश्री ने मारुति से कहा था प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। मारुति अपनी माँ का दिया हुआ यह अंगवस्त्र पहनकर ही प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। ये अंगवस्त्र मुझे लौटा दो। जाओ, नहीं देता। ये तो अब तुम्हें प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। पहले प्रतियोगिता में विजयी होकर दिखाओ तो यह अंगवस्त्र तुम्हारा। बस बस। मैं अब तुम सबको प्रतियोगिता के नियम बताता हूं। चलो, भूख से विचलित हो रहा हूँ केसरी नंदन, शीघ्र मेरे पास आ जा, मेरी क्षुधा शांत कर। तू नहीं जानता कि तेरे कोमल कोमल शरीर को चबाने के लिए मेरे जबड़े कैसे कुल मुला रहे हैं। तो नील और मरकट, मेरे कहने का तात्पर्य है नील और मारुति, तो प्रतियोगिता के प्रथम चरण में तुम दोनों को ही एक एक करके इन विशाल पत्थरों को अपनी राह से हटाते हुए आगे बढ़ना है। बस वाली भैया, इतनी सी बात, लो अभी लो। ठहरो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पहले प्रतियोगिता के सभी नियमों को तो जान लो। सुनो। ठीक है वाली भैया, इन सारे पत्थरों को हटाने के उपरांत हमें क्या करना होगा? वही तो बता रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करो। आप बताओगे नहीं तो मारुति श्रवण कैसे करेगा? तुम मुझे बोलने का अवसर दोगे तभी तो मैं कुछ आगे बता पाऊंगा ना। मारुति तो कब से आपके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा है वाली भैया। सुनो, इन पत्थरों को यहाँ से हटाने के पश्चात तुम्हें वो उस बड़ी वाली चट्टान को अपने मार्ग से हटाना होगा।
बस वाली भैया, मारुति सब समझ गया। इस बड़ी चट्टान को हटाने के पश्चात हमें इससे भी बड़ी चट्टान को हटाना होगा और उसके उपरांत हमें उससे भी बड़ी चट्टान को हटाना होगा। आप इस बेहवान मन को चट्टान विहीन कर देना चाहते हैं, है ना वाली भैया? नहीं, इस बड़ी वाली चट्टान को हटाने के पश्चात तुम्हें किसी चट्टान को हटाना नहीं होगा। तो वाली भैया, इसके उपरांत हमें क्या करना होगा? उसके उपरांत केसरी नंदन, तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। तुम्हारे और मेरे मध्य बस अब ये एक चट्टान की ही दूरी है। आजा केसरी नंदन, शीघ्र। सुनो, उस बड़ी चट्टान को हटाने के पश्चात तुम्हें एक कंदरा दिखाई देगी। उस कंदरा को पार कर तुम्हें उसकी दूसरी ओर से इस लटकते हुए अंग वस्त्र को वापस ले आना होगा। अच्छा, तो फिर प्रतियोगिता कब होगी वाली भैया? यही तो प्रतियोगिता है। जो इस अंग वस्त्र को सर्वप्रथम वहां से ले आएगा, आज की प्रतियोगिता का विजेता वही होगा। बस वाली भैया, क्या यही प्रतियोगिता है? माँ के दिए हुए अंग वस्त्र को पुनः पाने के लिए मारुति को बस इतना ही प्रयास करना होगा। पहले इस अंग वस्त्र तक पहुंच कर तो दिखाओ, फिर देखते हैं। प्रमाणित हो जाएगा कि किस में कितना बल है। नील ही विजय होगा। देखते हैं